नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात करने के फैसले पर जेल मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात पर फैसला कानून के अनुसार लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला गृह मंत्री के विभाग का है, गृह मंत्री अनिल विज और वे इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे। जेल मंत्री होने के नाते जो रिपोर्ट मांगी जाएगी वह भेज दी जाएगी और परिस्थितियों के अनुसार गृह मंत्री से मिलकर फैसला लेंगे। बिना किसी पक्षपात और भेदभाव से कानून के अनुसार फैसला लिया जाएगा। रंजीत सिंह आज अपने निवास पर कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार का काम चल रहा है। प्रदेश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को 2 महीने में या 1 महीने में बिल देने पर आमजन की राय फैसला किया जाएगा। सभी जिलों के बिजली निगम के ऐसी मीटिंग लेकर जल्दी फैसला किया जाएगा। और बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ देखते रहिए सिरसा से अमर सिंह जैनी की खास खबर। देखिए, अभी सारा मैं असेस कर रहा हूँ। मेन बातें जो थी, पहले 8 से 10 घंटा बिजली देना, उसके बाद दूसरा जो था ये कि तारें जो लूज है उन्हें ठीक करवाना। पूरे स्टेट वाइज हमारा अभियान चल रहा है और मीटर ऊपर करने इस मामले में लगे रहे। और इसके बाद हम ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और क्या मैसेज दिया जाए। तो साथ ही न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वाला मामला है जिसे सोलर का नवीनकरण कहते हैं, वो भी लग रहे हैं। 3 काम जो मेन मोटर रखे हैं, बाकी मैं अभी इसमें देख के जो मैक्सिमम होगा रिलीफ दे रहे हैं। मैंने दोबारा फिर कहा है पूरे रिपोर्ट में, सभी एससीज को बुलाऊंगा और उसमें देख के फिर ये भी देख रहे हैं कि बिजली का बिल 2 महीने में आए या महीने में आए। एक लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं, लोगों को क्या ठीक लगे वो करेंगे। बिजली को लेकर हमेशा उपभोक्ताओं में समस्या रहती है, बिजली के कट लगते हैं या एक बड़ा डिवीजन है। कई कहते हैं हमें 2 महीने का इकट्ठा दो, कई कहते हैं कि हमें महीने का महीने आना चाहिए। तो इस पर ज़रा मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लोगों का ओपिनियन क्या है उसी हिसाब से जो लोग ज़्यादा चाहेंगे वो करेंगे। दूसरा जो कट की बात है, उसमें हमने पॉलिसी करी है कि जैसे कि कट लग गया, एक दिन समझो कि 3 घंटे लग गया, अगले दिन उसे अगर 10 घंटे दी जानी है तो 13 घंटे देंगे, उससे कंपनसेट करेंगे। ये कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही रोक रखा है, बड़ा सारी चीज़ें ऑनलाइन है तो काफ़ी कुछ। अब रजिस्ट्री का मामला है, अब आपको लाइन नहीं जैसे तब तक जाएंगे आपको टाइम दे देंगे काफ़ी इस दिन आ जाना। तो काफ़ी चीज़ें पब्लिक के इंटरेस्ट में सॉल्व होती जा रही हैं, तो कर रहे हैं। बाकी और कुछ उम्मीद है। जेल के डीजीपी से आपकी मुलाकात हुई, जेल के अधिकारियों से बातचीत हुई, जेल में सुधार के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं आपको 10 दिन में दूंगा, पूरी तैयारी कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा कुछ करने जा रहा हूं, करके फिर मैं एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा आपके सामने कहूंगा। एक गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात से कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए उन्होंने हरियाणा पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है। हम कुछ भी कहेंगे, मैं तो जेल मिनिस्टर से जो मांगेंगे मैं नोट पुट अप कर दूंगा। अल्टीमेटली होम मिनिस्टर का मामला है, इसमें तय करके होगा। एक ना वो अकेले कर सकते ना मैं कर सकता, जब ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। जो कानून में जो है उसी हिसाब से हम करेंगे, ना किसी का फेवर होगा ना गलत करेंगे।